हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ध्रुव वेद एकेडमी। दोस्तों, आज ना तो कोई वाइट बोर्ड है, बस एक खुला आसमान है, पेड़ पौधे हैं और हम और आप हैं। तो इस सेशन में दोस्तों, मैं कुछ आप लोगों के लिए एक नया चीज़ लेके आने वाला हूँ। इसमें मैं उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जो, क्योंकि मैं मानता हूँ दोस्तों कि एक टीचर का ना हमारी ज़िंदगी में दोहरा रोल होता है। मैं भी एक टीचर हूँ और मेरे भी टीचर लोग रहे हुए हैं। तो हर एक टीचर का दो रोल हमारी ज़िंदगी में होता है। पहला रोल जिसमें वो आपको एजुकेशन देता है, किताबी ज्ञान देता है, और दूसरा रोल जो उसे प्ले करना होता है वो होता है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। यानी पर्सनल लाइफ मतलब क्या, कि वो हो सकता है किसी बात से परेशान हो, थोड़ा चीज़ों को लेकर के डायलेमा में हो, क्या करे क्या ना करे, तो उसी चीज़ को शॉर्ट आउट करना उनका, मैं कह सकता हूँ, एक काम हो सकता है और होना भी चाहिए। तो दोस्तों, इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ उन बच्चों के बारे में जो किसी एग्ज़ाम में अगर फेल हो जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। क्योंकि ये तो सबके साथ होता है, लाइफ इज़ नॉट एक स्ट्रेट पाथ तो है नहीं, अप डाउन्स होते रहते हैं और स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो आज मैं एक एग्ज़ाम की बात करने वाला हूँ जो होता है IIT जैम, जिसकी प्रिपरेशन हर एक बच्चा, मतलब जो BSc कर रहा होता है वो चाहता है कि वो मास्टर्स करे IIT से, और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है IIT जैम का। बहुत मेहनत करता है, बहुत कोशिश करता है, कोचिंग करता है, सेल्फ स्टडी करता है, दिन रात लगा रहता है, और अगर एग्ज़ाम उसके फेवर में नहीं हो पाता, मतलब क्या कि वो कोशिश करे और एग्ज़ाम के दिन वो डिलीवर ना कर पाए। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं ना कि जब हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ नहीं क्लिक कर पाती, हम फेल हो जाते हैं, तो फिर क्या। तो यहीं पे मैं बात करने वाला हूँ, इफ़ आई एम फेल, यदि मैं फेल हो जा रहा हूँ उस एग्ज़ाम में, तो मुझे अब अगला क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जिस पाथ पे मैं चला हूँ, मैं उन्हीं पाथ के बारे में आपसे बात करूँगा, क्योंकि जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की है ना, बस वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो देखो, मेरे तरफ से एक बड़ा भाई कह लो, एक दोस्त कह लो, एक मेंटोर कह लो, मेरा एक सजेशन है, मेरी एक एडवाइस है कि मैं जो सोचता हूँ वो शायद मैं अपने बच्चों के सामने रख रहा हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे थोड़े परेशान हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप IIT जैम की परीक्षा में पास नहीं हो पाए, हुआ रैंक इतनी अच्छी नहीं आ पाई कि हम अच्छी IITs में नहीं जा सकते, पर हमारा ड्रीम था IIT में जाना, तो मैं दो बच्चों की तरह से बात कर रहा हूँ, दो अलग अलग माइंडसेट वाले बच्चे। तो आप इसको पहचानना कि आप किस माइंडसेट वाले बच्चे हो। पहला माइंडसेट क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो शायद खुद के अंदर से आवाज़ नहीं आती, वो देख करके लगता है कि हाँ यार, सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, और उस बीच अगर हम फेल हो जाते हैं तो फिर यूँ लगता है कि यार अब तो नहीं हो पाया, क्या करें अब। तो सुनो, अगर आप उस कैटेगरी के बच्चे हो, आपके माइंड में कभी ऐसा था नहीं कि भैया मुझे तो बहुत एंथ्यू है कि मुझे ये करना ही करना था, लेकिन आप नहीं कर, मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं थी, तो अगर आप फेल होते हैं तो क्या करना चाहिए। क्योंकि आप MSc में तो एडमिशन लेना चाहोगे, तो क्या आप ड्रॉप करेंगे। तो मेरा पहलू ये है कि क्या मुझे ड्रॉप करना चाहिए फॉर फर्दर प्रिपरेशन, एक बार और JM देने के लिए, या फिर किसी मास्टर्स इंस्टीट्यूट, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में MSc में एडमिशन लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आप इस माइंडसेट से आगे बढ़ रहे थे ना, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप एडमिशन ले लीजिए, आप एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि दोबारा ड्रॉप करके फिर से प्रिपरेशन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको केवल पढ़ाई ही नहीं करनी, और भी चीज़ों से आपको प्रेशर मिलेंगे। तो उस प्रेशर को अगर आप हैंडल तब कर पाओगे जब आपके अंदर से ये बात आए कि नहीं यार, मुझे करना ही था। अगर आप इस चीज़ को नहीं सोचते थे ना, तो अगर आप ड्रॉप करेंगे तो शायद आप उतना इफ़ेक्टिवली फिर भी काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने शायद उस फेलोअर से देखा कि यार मैं तो कर सकता था, तो आप सेकेंड माइंडसेट वाले बच्चे की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो पहला बात मैंने क्या बोला कि अगर आपने ये कभी सोचा ही नहीं था कि यार मुझे जाना है, बहुत ड्रीम है मेरा, तो प्लीज़ डोंट बी ड्रॉप आउट मत करिए,
एडमिशन किसी भी अपने नज़दीकी यूनिवर्सिटी में या कुछ भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए, सिंपल सी कहानी है। लेकिन मैं ज़्यादा संजीदा उन बच्चों के लिए हूँ जो अपने ड्रीम पाले थे कि यार मुझे तो IIT में ही जाना था, मुझे IIT दिल्ली में, IIT बॉम्बे में, IIT कानपुर में, मुझे यहीं जाना था। लेकिन किस्मत बोल लीजिए या कुछ ऐसी कंडीशंस बोल लीजिए कि हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए, तो फिर क्या करें। तो बच्चों मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो मैंने फेस भी किया है। अगर आपके दिल में ये बात थी, आपके जहन में ये बात थी कि आप अच्छे से तालीम लें, MSc करें, अच्छी जगह पे MSc करें, तो बच्चों यार ज़िंदगी एक बार मिली है ना, तो जीने का, यानी आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आपका ड्रीम था वो, आप पैशनेट थे उसके लिए, लेकिन आप नहीं कर पाए, तो मेरे हिसाब से ड्रॉप करिए एक बार, मौका दीजिए खुद को, प्रूफ करिए, क्योंकि ये चीज़ अपने लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है, अपने आप के लिए है, अपने आप को प्रूफ करने के लिए है ना यार, कि मुझे थोड़ी ना किसी दूसरे को प्रूफ करना है कि यार मैं देखो IIT नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे जाना है, किसी और के लिए बात करनी ही नहीं है, खुद के लिए करनी है, अपने पेरेंट्स के लिए करनी है, उनका सर ऊंचा करना है। तो अगर इस जर्नी में आपको प्रॉब्लम आएंगी भी और आप उस मेंटलिटी के बच्चे हो कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं IIT निकालूंगा, सेकेंड टाइम फिर से गिर के कोशिश करूंगा, तो मेरे हिसाब से बच्चों आप ड्रॉप कर लीजिए। अगर आप डिलेमा में हैं कि यार करूँ कि ना करूँ, फिर से होगा कि नहीं होगा, कोई आप रिज़ल्ट के बारे में ना सोचे दोस्तों, आप करिए काम, आप लग जाइए फिर से उसी तरीके से मेहनत करने में जिस मेहनत आपने पहली बार भी किया होगा, लेकिन आप फेल नहीं हुए हैं, आप बिल्कुल भी फेल नहीं हुए हैं, आपने एक रास्ता निकाला है, क्योंकि ये रास्ता शायद आपके लिए सही नहीं था जिस रास्ते से आपने प्रिपरेशन करी है ना। और अगर आप दूसरे रास्ते से प्रिपेयर करोगे, अपने आप से सोचोगे कैसे फिर से नई चीज़ें शुरू करोगे, और अगर आप अंदर से पूरे डेडिकेटेड है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई वक्त आपको रोक पाएगा, कोई बेड़ियां आपको रोक पाएगी। वक्त इतना है आपके पास कि आप बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं। घर के प्रेशर मिलेंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि मेन प्रॉब्लम थोड़ी गर्ल्स को आती है, क्योंकि लोग, मैं जहाँ तक मैं भी जानता हूँ कि लोग चाहते हैं कि यार ड्रॉप ना करे बच्चिया, वो आगे बढ़ती रहे, पर एक बच्चिया का भी ड्रीम है, उस गुड़िया का भी ड्रीम है कि वो IIT में जाए, पर लोग कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि नहीं इसको रोक दे, उसको रोक दे, पर नहीं गुड़िया आप भी कोशिश करो, आप अपने माँ बाप को बताओ कि नहीं मेरा भी ड्रीम है कुछ, मैं भी अपना सपना लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ, आप मुझे एक ज़िंदगी है, फिर कहाँ रहूँगी मैं, कैसे रहूँगी मैं, पर अपनी ज़िंदगी अभी तो जीने दो यार, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेहनत कर सकते हैं, 24 घंटे में 18 घंटे डेडिकेटेड होकर काम कर सकते हैं ना, दीजिए, और ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर में जुनून हो, है ना बच्चा। तो इसीलिए ये बात मैं आप लोगों के लिए लेके आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे अप्रोच किया कि सर कैसे क्या करें, तो मैंने सोचा ये तो सबकी प्रॉब्लम होगी, और मेरी भी प्रॉब्लम थी जब मैं JM की प्रिपरेशन करता था। तो मैं भी आपको बता दूं, मैंने भी JM की प्रिपरेशन 2012 से स्टार्ट कर दी थी, और 2013 में मैंने JM का एग्ज़ाम दिया था। मैंने भी मेहनत बहुत करी थी, ठीक है, और ऊपर वाले ने उसका रिज़ल्ट मुझे दिया कि मैं अच्छे IITs में जा पाया। तो फेलियर मैंने भी बहुत देखे हैं लाइफ में, वहाँ से मैंने लर्न किया है। तो बच्चों इफ़ यू आर फेल ना, जस्ट एक्सेप्ट इट, ठीक है फेल हो गया मैं। और हमेशा मैंने एक बात आपको बताई है, ज़िंदगी में हमेशा शुरुआत लड़खड़ाते हुए ही होती है, तो इसलिए ना कभी डरने का नहीं यार, गिरने का, संभलने का, आगे बढ़ते रहने का, बट डोंट गिव अप। ये लोग हमेशा जो बड़े अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर से वो यही बात आपको कहते हैं, हमेशा कहते हैं गिरने का, फेल होने का, बट गिव अप नहीं करने का। एक लाइफ है ना यार, जियो, है ना, मस्त रहो, तैयारी करो एकदम दिल से, और एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, इस रूप में नहीं। मैं 100% गारंटी नहीं देता कि आप ड्रॉप करोगे तो आप दोबारा से एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लोगे, ये कोई नहीं कह सकता आपके लिए, आप खुद भी इश्योर नहीं हो, लेकिन फिर भी करेंगे कोशिश, यहाँ नहीं तो कहीं और उसका फल मिलेगा आपको, पर मिलेगा ज़रूर। इसलिए क्लियर कट होइए, एक डिसीजन ले लीजिए, ड्रॉप और नॉट, है ना। अगर ड्रॉप करना है तो तैयार रहिए बहुत सारे चैलेंजेस के लिए, और ये स्ट्रांग हो यार तुम लोग, यार इतने बड़े चैंपियन लोग हो, यू आर स्ट्रांग एनफ टू हैंडल ऑल द डिफिकल्ट चैलेंजेस इन योर लाइफ।
सो व्हाई नॉट ट्राई, क्यों नहीं ट्राई किया जाए, जस्ट राइट, है ना दोस्तों। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। और यहाँ पे इस सेशन में जो एक विक्रांत सर के साथ एक सेशन चलेगा, ये इसमें आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं मुझे, जो भी आपको लगे कि यार बताना चाहिए सर को, एक राय ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ना अपने लाइफ में इसकी बहुत कमी लगी थी। जब मैं उस समय था, बताना किसी को चाहता था, किसी से कुछ पूछना चाहता था, नहीं हो पा रहा था। तो जो चीज़ें मैंने फ़ेस करी है, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे भी फेस करें, जो मुझे एटलीस्ट 100 बच्चे ही 200 बच्चे ही जो मुझे दिल से रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं, है ना। तो मिलते हैं अपने फिर से एक नई बातों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।